देखो ट्रेंडिंग मार्केट में तो सभी लोग पैसा बना लेते हैं, बट क्या साइडवेज मार्केट में पैसा बनाने की कोई टेक्निक होती है? बिल्कुल टेक्निक होती है। आज इस वीडियो में मैंने लाइव दिखाया आपको, लाइव ट्रेड करते हुए कि कैसे आप साइडवेज मार्केट में एक क्विक स्केल्प ले सकते हो। अगर आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, दिन में आप 15 से 20 मिनट टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर सकते हो कि भाई चलो ठीक है, आधा घंटा मेरे पास इतना टाइम है, उसमें मैं स्केल्प कर सकता हूँ। और ये मैंने स्केल्प किया हुआ है बिल्कुल साइडवेज मार्केट में, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में। बिल्कुल साइडवेज मार्केट होता है जो कि ऑप्शन वाइज सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं कि भाई साइडवेज मार्केट में पैसा नहीं बन रहा है। तो बनता है पैसा अगर आप स्केल्पिंग अच्छे टेक्निक से करोगे। कैसे एंट्री करना है, कैसे स्टॉप लगाना, कैसे टारगेट रखना, क्या प्लान करना पड़ता है, लाइव आपको मैंने दिखा हुआ है। सो वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत यूजफुल होगा। और चैनल में नया चैनल सब्सक्राइब कर देना। तो सभी लोगों को आज है 13 मई मंडे, सो मिलते हैं वीडियो में। सो यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस जो रहेगा 222 के करीब रहेगा। और यहाँ पर हम एंट्री कर लेते हैं। हमारा जो मेन टारगेट रहेगा ये रहेगा हमारा इस लेवल पे, ठीक है। मैं यहाँ पर लेवल खींच रहा हूँ, ये लेवल रहेगा हमारा टारगेट जोन, ठीक है। इसके ऊपर जाएगा तो फिर बहुत बड़ा टारगेट मिल सकता है, बट यहाँ पर हम एंट्री कर सकते हैं। एक सपोर्ट जोन, ट्रेंड लाइन सपोर्ट जोन बना रहा है और एक अच्छा खासा प्राइस एक्शन बना रहा है, ठीक है। थोड़ा सा हमारा लाइक क्योंकि टाइम होने वाला है, मैंने अभी तक ट्रेड एक भी प्लान किया हुआ है, जबकि इतना अच्छा मार्केट था, मैं बाहर थोड़ा बिजी था। अभी जस्ट आया हूँ 15-20 मिनट पहले, मैंने देखा चलो अपॉर्चुनिटी देखते हैं तो फिर ट्रेड ले लेते हैं आपको, ठीक है। तो यहाँ पर अभी पूरा जोन में ही है, ठीक है। बट हम यहाँ पर एक स्कैल्प टाइप का मार सकते हैं कि भाई यहाँ पर जोन से यहाँ पर ट्रेड जा सकता है, ठीक है, क्योंकि हमारा प्राइस एक्शन ऊपर साइड ही है। तो यहाँ पर मैं बुक करता हूँ। कन्फर्मेशन मुझे उतना सॉलिड नहीं लग रहा है, बट फिर भी अपन देख लेते हैं, मे बी चांसेज हैं कि यहाँ पर ऊपर ब्रेक कर दे तो फिर थोड़ा सा हमारा यहाँ पर रेजिस्टेंस तक जा सकता है। ओके, सो यहाँ पर मैं लेता हूँ। ओके, सो ब्रेक करने दो, चलो ऑर्डर पंच। ओके, सो जैसे आप देख सकते हो 2700 रुपये का अपना प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है। हमारा स्टॉप लॉस छोटा स्टॉप लॉस रहेगा, ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस हम नहीं लेंगे। एक बार मैं आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस दिखा देता हूँ कि कौन सा स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है। लेट्स सी, उतना कन्फर्मेशन मुझे उतना अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि अभी तक अपन लोगों ने ट्रेड नहीं किया, तो मैंने सोचा चलो एक बार ट्रेड ले लेते हैं। अपन लोगों ने बाइंग किया हुआ है 248 पे, ठीक है, एंट्री प्राइस पे ही चल रहा है। यहाँ पे स्टॉप लॉस अपना रहेगा दिस, ठीक है। टारगेट अपना रहेगा ये लेवल मिनिमम, ठीक है। बाकी सबसे बड़ा टारगेट तो ये रहेगा, देखते हैं। टाइम भी हो रखा है, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली टाइम हो रखा है 3:11। अपने पास 10 मिनट है स्कैल्प के लिए, 1 मिनट टाइम फ्रेम, जहाँ तक जाता है, ठीक है, एग्जिट कर देंगे। या तो स्टॉप लॉस देगा या तो फिर ऊपर जाएगा, फिर क्या पता यहाँ पर कंसोलिडेशन, क्योंकि अभी जो है ना, अभी कंसोलिडेशन जोन में ही है मार्केट, देखो तो आप, ठीक है, पूरा प्योर कंसोलिडेशन जोन में। बट हम यहाँ पर ट्राई कर रहे हैं कि भाई इसको ब्रेक करने के बाद थोड़ा सा मूवमेंट यहाँ पर दे सकता है ऊपर, ठीक है, अगर 3:30 तक पहले पहले हो गया तो, नहीं तो फिर हमें निकलना पड़ जाएगा, ठीक है। तो अभी तक मैंने ट्रेड नहीं लिया था। तो एक प्राइस अगर मैं बताऊँ तो प्राइस क्या है, ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, ठीक है, वहाँ पर बन रहा है, और हिसाब से हम लोगों ने ट्रेड लिया। और स्टॉप लॉस हमारा ये रहेगा, लेट्स सी क्या होता है। थोड़ा सा लग रहा है लाइक स्टॉप लॉस हो सकता है मे बी, बट देखते हैं, है ना। हम लोगों ने ट्रेड प्लान किया, अपने अकॉर्डिंग बैठे, अब हम या तो स्टॉप लॉस लेंगे या तो टारगेट लेंगे। तो काफ़ी लोग डाउट आ रहे थे कि किस हिसाब से आप ट्रेड प्लान करते हो। सिंपल सा रहता है, एक अपना सेटअप बनाओ, जिस सेटअप पर ट्रेड करते हो, मेरा टॉप बॉटम सेटअप रहता है। सेटअप के बाद एंट्री लेने के बाद फिर आपका या तो टारगेट होगा या तो स्टॉप लॉस होगा, ठीक है। या तो टारगेट पे एग्जिट करोगे या तो स्टॉप लॉस पे एग्जिट करो, बीच में आपको एग्जिट नहीं करना हुआ है, ठीक है। और एंट्री आपकी परफेक्ट होनी चाहिए, सबसे अच्छी बात, ठीक है। और हम लोगों ने यहाँ पर एंट्री ले ली है। अब लेट्स सी क्या होता है। छोटा टाइम फ्रेम, 1 मिनट है, स्कैल्पिंग है, क्योंकि स्कैल्पिंग में ज़्यादा वेट नहीं करना होता, 4-5 मिनट के अंदर या तो प्रॉफिट हो या तो लॉस हो जाए, ठीक है। चलो चलो, एक थोड़ा सा मोमेंट आया गाइस, ठीक है, लॉस से थोड़ा प्रॉफिट में आया है। एक सॉलिड कैंडल, देखो जब तक इस लेवल को ब्रेक नहीं करता ना, मैं आपको यहाँ पर लाइन ड्रा कर देता हूँ। अगर इस लेवल को उसने ब्रेक कर दिया, इसके ऊपर अगर कंसोलिडेशन करने लग गया, तो हमारे हाईली चांसेस हैं कि मार्केट यहाँ तक जा सकता है। अगर 3:30 के पहले पहले यहाँ पर ब्रेक कर दिया इसको, तो फिर तो बहुत तेज लगेगा, नहीं तो फिर ज़्यादा चांसेस नहीं है। तो देखते हैं, इसलिए मैंने स्केल्प लिया हुआ है कि ज़्यादा अपने पास टाइम नहीं है, छोटी सी मतलब कि उस पर अपन ले लेंगे, ठीक है, जोन में। चलो देखते हैं, जस्ट वेट एंड वॉच। ओके, 900 रुपये का लॉस, 800 रुपये का लॉस। सो यहाँ पर आप देख सकते हो फाइनली ब्रेकआउट आ चुका है, 8000 रुपये, 7000 का प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर टारगेट रहेगा मिनिमम 270 का। ओके, 11000।
टारगेट जोन पे आने वाला है 15,000 17,000। ओके फाइनली ठीक है, अभी हम वेट करेंगे, अभी वेट करेंगे, ब्रेकआउट हो चुका है, वेट करेंगे थोड़ा सा। टारगेट देखो फर्स्ट अपना हो चुका है, बट ठीक है अपना फर्स्ट, अपन थोड़ा सा प्रॉफिट इसलिए थोड़ा सा अपन लोग ट्रेल कर रहे हैं, नहीं तो हम लोग एग्जिट कर देते हैं। ठीक है थोड़ा सा अपन लोग यहाँ पर कॉन्फिडेंस है कि यार यहाँ पर जा सकता है मे बी, देखते हैं, नहीं तो कॉस्ट टू कॉस्ट लगभग लगभग अप्रॉक्स अपन एग्जिट कर देंगे। ऐसा आई थिंक मुझे एग्जिट करना चाहिए, लग तो रहा है, देखते हैं, फिर टाइम भी नहीं है अपने पास। ठीक है 3:19 हो चुका है, केवल पास 6 मिनट टाइम है, अपन 6 मिनट के अंदर जो भी करना है करना है। इसके नीचे अगर आ जाएगा तो फिर कोई चांसेस नहीं है, ठीक है इसके ऊपर रहेगा तो चांसेस हैं, लेट्स सी। हो जा भाई, आप देख सकते हो कि हम लोग जोन में ट्रेड कर रहे हैं, हमारा ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन कुछ नहीं हुआ, हम बस स्कैल्प कर रहे हैं इस जोन के अंदर, जबकि ऑप्शन बाइंग में ऐसा पॉसिबल नहीं है, है ना। बट अगर आप राइट एंट्री करते हो, स्कैल्पिंग आपको अच्छे से आता है, तो आप जोन को पकड़ लोगे। 20-30 पॉइंट बहुत होते हैं यार, ठीक है 20 पॉइंट अप्रॉक्स मिल चुका है। अब हम फाइनली स्टॉप लॉस जो होगा ना ट्रेल कर लेंगे यहाँ पे दिस, ठीक है। आई थिंक निकलना चाहिए, लग तो नहीं रहा। ओके इसको ब्रेकआउट करने दो, फिर आएगा मूव, एक और मूव आ सकता है, थोड़ा सा अब थोड़ा सा लग रहा है। देखो एक जोन है, ट्रेलिंग स्टॉपर्स यूज करो करोगे तो आपको थोड़ा सा सेफ्टी मिलेगी कि चलो ठीक है इस लेवल पास आएगा तो फिर निकल जाएंगे, ठीक है, या तो उस लेवल के पास करेगा तो हम लोग बने रहेंगे। ये थोड़ा सा आपको एक लाइक फ्री कर देता है माइंड, नहीं ऐसे एकदम भागोगे तो आपको पता नहीं चल पाएगा एग्जिट निकलना कहाँ पे है ना। ट्रेलिंग स्टॉप पर थोड़ा सा आपको सेफ्टी कर देता है। चलो आई थिंक निकलना चाहिए। ओके थोड़ा सा सर्वाइव तो कर रहा है मार्केट, ऐसा तो नहीं है सर्वाइव नहीं कर रहा है बिल्कुल भी। एक तो यार हम लोगों ने जोन में ट्रेड लिया है, अगर यही ब्रेकआउट पे ट्रेड लेते ना तब तक तो कमाल कर देता मार्केट, अलग ही लेवल में जाता। जो मिल रहा है बहुत है यार, 17,000 का प्रॉफिट कम नहीं होता। लोगों की सैलरी होती है यार, लोगों की सैलरी ऊपर नीचे हो रही है। 12,000 आई थिंक एग्जिट करना चाहिए, क्योंकि अगर तेज़ मोमेंटम आएगा ना तो बहुत पूरा प्रॉफिट खा जाएगा अपना, ज़्यादा लालच बुरी बात है। बट ये मुझे दिखाई नहीं रहा है जाने का, लाइक एग्जिट करने का कुछ लाइक सॉलिड क्लोजिंग हो ना अगर नीचे की तो फिर एग्जिट करने का लगता है, लेकिन सॉलिड क्लोजिंग नहीं हुई, देख रहे हो आप क्लोजिंग ही नहीं हो रही नीचे, तो ऐसे निकलने का फिर मूड नहीं हो रहा है। लाइक आप प्राइसन बोल ही नहीं रहा है कि भाई निकलो, आप प्राइसन तब बोलेगा जैसे ये कैंडल है ना ऐसी क्लोजिंग दे दे। चलो इसका स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाते हैं फाइनल फाइनल। देख सकते हो 17,000 रुपये का PCR टच कर दे तो भी निकल लेंगे अपन लोग, टाइमर आवर में टाइम कर रहे हैं, 3:22 हो गया है, 3-4 मिनट के अंदर भाई जो भी होना होना, इसके बाद फिर काम खत्म। चलो 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 भाई साहब, 18,000 आप देख सकते हो किस हिसाब से हम लोग ट्रेड कर रहे हैं, वो जोन में ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है ये देखो जोन में ट्रेड होता है, ये इसके जोन में ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं,
ना, बहुत डिफिकल्ट होता है इसके जोन में। अगर जब तक आपके पास राइट एंट्री नहीं, तब तक आप यहाँ पर ऐसे जोन में ट्रेड नहीं कर सकते। प्रीमियम डीके होता है, बट राइट एंट्री बिल्कुल नीचे से उठाया हम लोगों ने, है ना, हम लोगों ने बिल्कुल यहाँ से उठाया है। देखो कीज़ यार, फाइनली फाइनली सब्र का फल काफ़ी मीठा होता है। 23,000, 24,000, 25, क्या बात है, 25,000। अब देखना, अब मैं निकलूंगा, ठीक है, अब अपन निकल लेते हैं क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस पास आ चुका है। टाइम तो बचा नहीं है, टाइम होता तो अपन होल्ड करते हैं, टाइम है नहीं। चलो जो मिल रहा है बहुत है। 24,000, 25,000 अब एग्जिट करते हैं अपन। 24,000, 24,000, आई थिंक 25,000 क्लोजिंग कर दें तो एग्जिट कर दें। 27,000 मेरे अपना 27,000 का प्रॉफिट हो चुका है, 27,600 का, ठीक है। बाइंग किया 248,279, स्कैल्पिंग ट्रेड हो गया है अपना। हम लोग यहाँ पर एग्जिट नहीं कर सकते, आप देखोगे कि 279 के बाद हम लोगों का जो गया है 300 गया है। अच्छा मैं हिंट बिल्कुल नहीं दूंगा, देखते हैं कितने लोग प्रो ट्रेडर हैं यहाँ पर। हम लोग क्यों एग्जिट नहीं कर सकते, अब क्यों एग्जिट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अभी तो रखा है 3:28 में। अगर हम चाहते, अगर हमारे पास टाइम होता, डिफरेंटली हम यहाँ पर अभी होल्ड करते, क्या पता आप निकल जाते, ठीक है। बट आप कमेंट करके बताओ कि अब हम क्यों एग्जिट नहीं कर सकते, ठीक है, समझ में आ जाएगा आपको। सो यहाँ पर देखो, मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ यहाँ पर सेटअप क्या था अपना, थोड़ा सा एक ओवरऑल बता देता हूँ कि जो 27,000 प्रॉफिट हुआ हम लोग किस हिसाब से किया। अगर आपके पास टाइम नहीं है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको कवर करूँगा अभी, ठीक है, आप वीडियो ध्यान से सुनना। ये हो गया प्रॉफिट, लाइव ट्रेडिंग हो गया। अब देखो लाइव ट्रेडिंग क्या होता है, मैं उतना अच्छे से नहीं बता पाऊँगा क्योंकि इमोशन होते हैं, स्कैल्पिंग होता है, ठीक है, तो वहाँ पर केवल प्रॉफिट लॉस दिखा पाऊंगा कि ऐसे ऐसे होता है इमोशन, इसलिए मैं अब लाइव ट्रेड करता हूँ। मेन होता है लाइव ट्रेड के बाद कि भाई चलो ठीक है, अब उसका ओवरऑल रिजल्ट बताओ कि क्यों किया आपने, रीजन क्या था, ठीक है। अब यहाँ पर रीजन की बात देखते हैं। देखो हम लोगों ने ट्रेड यहाँ पर दे सकते हो कि भाई मार्केट आया था, देखो आज का पहले मैं आपको मार्केट दिखाता हूँ, क्या ही मार्केट है आज, कितने पैसा बनाया कमेंट में जरूर बताना, कितने पैसे बनाए, ठीक है। मार्केट गया, ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने, अच्छा हाँ यहाँ पर मैं एक चीज़ बता देता हूँ, हम लोगों ने यहाँ पर ट्रेड दिया था 5 मिनट टाइम फ्रेम में टेलीग्राम पे, ट्रेंड रिवर्सल सेटअप, वहाँ पर मैंने मेंशन किया था कि भाई यहाँ पर एक ट्रेंड रिवर्सल सेटअप बनेगा और यहाँ पर टेल लेना है आपको, यहाँ पर टारगेट था अपना, ठीक है, और वहाँ पर 105 का टारगेट मिला। इसके बाद मैं बाहर चला गया था, थोड़ा सा काम था मुझे थोड़ा सा, ठीक है, जैसे आपको पता है OBS का थोड़ा सा दिखाना था, मुझे हिसाब से लैपटॉप थोड़ा सा देख रहा हूँ, तो वहाँ पर चला गया। फिर टाइम मिला, देखा कि भाई मोमेंटम कर रहा है, क्या पता है स्कैल्प मार सकते हैं, क्योंकि डेली लाइव ट्रेडिंग का अपन लोगों ने चैलेंज रखा हुआ है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर स्कैल्पिंग मोड किया ऑन और अपन लोगों ने ट्रेड रिसीव कर दिया। तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ पर मेरे लाइव ट्रेडिंग शेयर होते रहते हैं, लाइव लेवल शेयर होते हैं, बहुत अच्छा आपको बेनिफिट मिलने वाला, अगर उसी से केवल आप पैसा बना सकते हो, अगर अच्छे खासे लेवल पे डेली आप अपडेटेड रहोगे, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर स्कैल्प देख लेते हैं। देखो 1 मिनट टाइम फ्रेम में क्या हुआ कि मार्केट, एक तो हमें ये भी देखना है कि सी साइड स्कैल्प करना है कि पी साइड, सी साइड स्कैल्प करने का रीज़न मेरा था कि भाई मार्केट ऑलरेडी मोमेंटम कर चुका है, यहाँ पर पोजीशन बन रही है, ठीक है, यहाँ पर पोजीशन बन रही है, तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, सपोर्ट पे उठाया मार्केट को, ठीक है, और रेजिस्टेंस तक ले गए। तो यहाँ तक जो मोमेंटम आता है वो स्कैल्पिंग से पॉसिबल है, ना कि आप 5 मिनट टाइम फ्रेम में, 5 मिनट टाइम फ्रेम में उतना मार्केट में हाई नहीं गैप, ठीक है, ऊपर से आप जोन के ट्रेड करो, तो जोन में आप स्कैल्पिंग ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर 1 मिनट टाइम फ्रेम उठाया, 247.48 पे एंट्री लिया, ठीक है, स्टॉप लॉस अपना सिंपल सा स्टॉप लॉस लगा दिया 20 पॉइंट का, 1:1.5 का रिटर्न अपने को मिल गया, 1:1.5 का स्कैल्पिंग में इनफ होता है, ठीक है। और हम लोगों ने सबसे बड़ी बात है कि एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट जोन के अंदर ट्रेड किया हुआ है, ठीक है, तो वो तभी ट्रेड पॉसिबल कर पाओगे जब बिल्कुल स्टार्टिंग से उठाओगे एंड तक जाओगे, ठीक है। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको प्राइसिंग सीखना पड़ेगा, टॉप बटम को अच्छे से सीखना पड़ जाएगा, ठीक है, और ये चीज़ है। बाकी प्राइवेट ग्रुप का अनाउंसमेंट हो चुका है, मैं आपको बता दूं, प्राइवेट ग्रुप का अनाउंसमेंट हो चुका है, तो यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा पेटीएम मनी का, वहाँ पर अकाउंट ओपन कर लेना, उसमें ट्रेड कर लेना, इसके बाद वहाँ पर एक गूगल फॉर्म का लिंक होगा, वहाँ पर फिल कर देना, तो आपको 1 से 2 दिन के अंदर हमारा प्राइवेट टेलीग्राम का ग्रुप कैसे, वहाँ पर कोई कॉल टिप्स नहीं होगी, प्योरली आपको वहाँ पर लाइव मेरे ट्रेड जो होंगे वो शेयर किए जाएंगे, जो लेवल चल रहा होगा, ठीक है, कुछ आइडिया होगा, काफ़ी सारी चीज़ें हो जाएंगी। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे बड़ी चीज़ है, इससे भी एक थोड़ा सा बड़ी चीज़ है, जिन लोगों के पास कैपिटल नहीं है वहाँ पर मैं वीकली 10,000 रुपये का वीकली रखेंगे गिव अवे, एक बंदे को 10,000 रुपये का गिव अवे मिलेगा हर वीक, ठीक है। उसके लिए वहाँ पर कुछ कंडीशन होगी, वहाँ पर आप बता दिया जाए, कोई पैसा चार्ज नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो लॉन्च हो गया, फाइनली ज्वाइन कर लेना, पेटीएम मनी का डीमैट अकाउंट ओपन करके ट्रेड कर लेना, ठीक है। बाकी जिनको नहीं मिला, मिल जाएगा धीरे धीरे, डोंट वरी, ठीक है, स्पैम मत करना, मिल जाएगा। अपन लोगों ने दोबारा फॉर्म किया, उसमें फॉर्म फिल कर देना, एक ही बार फिल ना, 4 बार मत फिल करना, ठीक है। तो ये हो गया अपना फाइनली ट्रेड आज 27,000 रुपये का। आई होप कि वीडियो पसंद आया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, बताना कि आज का प्रॉफिट कितना हो, क्योंकि मार्केट तो भाई बहुत तगड़ा गया था, अपन लोग तो नहीं थे बट आप लोग तो अवेलेबल हो गए, आज का मार्केट बहुत अच्छा गया था, देख सकते हो आप। एक बार ऑप्शन देखो यार, भाई साहब क्या गजब का,
कोई बात नहीं, ठीक है यार, जो भी मिल गया खुश रहो। एक महीने की सैलरी होती है लोगों की, 23-27 हज़ार बहुत होता है, जो भी मिल गया ठीक है। तो ये फाइनली हो गया, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, वीडियो में चलते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं, ठीक है, बाय बाय, और सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं।